बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार के खिलाफ राज्य सचिवालय पर नवान्न अभियान मार्च का आयोजन किया था, जिसमें राज्य भर से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कोलकाता और हावड़ा में जमा हुए। मार्च के दौरान तृणमूल समर्थक भी सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने हावड़ा से नवान्न की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए। सरकार ने हावड़ा से कोलकाता तक भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया, जिसकी वजह से कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को अलीपुर में हिरासत में ले लिया, तो बीजेपी नेता राहुल सिन्हा और लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में ले लिया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को तानाशाह बताया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता अपने ही लोगों का समर्थन खो चुकी हैं, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवकों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। किया डर का महल ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा देश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। बीजेपी का कहना है कि अगर इतना पुलिस बल सरकार के पास है तो फिर अपराध क्यों हो रहे हैं। राज्य में भारी भ्रष्टाचार और वसूली हो रही है, लेकिन आवाज उठाने पर पुलिस दमन का सहारा लिया जा रहा है। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प के साथ आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई है। बड़ा बाजार के पास प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, तो कई जगह पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों की तृणमूल के मंत्रियों और नेताओं पर कार्रवाई से बेहद नाराज हैं, इसीलिए एक दिन पहले ही राज्य विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दखल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में रात को 12:30 बजे कार्यालय में पेश होने का सम्मन भेजा था। मेनका गंभीर जब देर रात ईडी दफ्तर पहुंची तो अधिकारी ऑफिस में ताला मार कर जा चुके थे। यही नहीं, मेनका को ईडी अधिकारियों ने नेताजी एयरपोर्ट पर विदेश जाने से भी रोक दिया था। तृणमूल कांग्रेस एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।